गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक और नए ब्लॉग में मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज मैं आया हूं हमारे खेत और आज का ये ब्लॉग है हमारे खेत की फसल दिखाऊंगा। बहुत ही शानदार ये ब्लॉग होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस समय खरीफ की फसल बोई जाती है और ज़्यादातर हमारे यहाँ मोठ, बाजरा, ग्वार और मूँग जैसी फसल सबसे ज़्यादा होती है। और हमारे इस खेत के अंदर सोलर सिस्टम लगा हुआ है, इसलिए थोड़ी दूर में हमने नरमा भी बो रखा है। तो चलिए देखते हैं फसल। तो गाइस देखिए, ये है नरमा की फसल। काफ़ी अच्छी फसल है। अभी हमारे यहाँ इनको डोडे बोलते हैं, लगना शुरू हो गए हैं। बहुत ही अच्छी फसल अभी है फिलहाल के टाइम में। देखिए, इस साइड बाजरा है और थोड़ा आगे है कुमार और इस साइड दिखाऊं प्लेट के पीछे है नरमा। कोई ज़्यादा बड़ा खेत नहीं है, छोटा सा ही खेत है। देखिए दोस्तों, खेत के अंदर सोलर प्लेट भी लगी हुई है और इस साइड बाजरे के अंदर फुहारों की मदद से पानी लग रहा है। अभी ऐसी है फसल खेत के अंदर। और थोड़ा आगे चले तो वहाँ पे है ग्वार और इस साइड है नरमा यानी कपास। ये जो बेल देख रहे हो आप, ये काचर की बेल है दोस्तों। यहाँ पर हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सारी तादाद में होते हैं और अभी काचर लगने शुरू भी हो गए। मैं आपको करीब से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं। देखिए, ये है जो काचर है, अभी लगा ही है। थोड़े दिन बाद तो बहुत सारे हो जाएंगे और पक भी जाएंगे, अभी कच्चा है। और ये है नरमा, इसके भी जो डोडी बोलते हैं हम, वो भी लगी हुई है। देखिए, ये देखिए, और रोड पर देखिए कुछ वाहन गुजरते हुए। और ये है खेजड़ी का वृक्ष, शायद आपने देखा भी होगा। गाइस, हमारे खेत के अंदर बाजरा और नरमा तो बहुत शानदार है, लेकिन ग्वार है जो थोड़ा कमजोर है। देखिए, खेत के अंदर एक मकान भी बना हुआ है देखिए, और सामने है सोलर सिस्टम। तो गाइस, ये है खेत के अंदर एक मकान और यहाँ से बाहर का व्यू दिखाऊं तो देखिए ऐसा कुछ नज़र आता है। बहुत बड़ी एक झाड़ी भी है आके। गाइस, ये है हमारे खेत में ग्वार की फसल। गाइज, हमारे खेत के अंदर बाजरा और नरमा तो बहुत ही शानदार है, लेकिन ग्वार थोड़ा हल्का ही है। तो गाइज, हमारे खेत का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।